लाइन खींचना है वॉल के ऊपर, सेंटर लाइन देखिए मैंने खींच लिया है। यही प्रोसेस रॉयल एनफील्ड अपने मैनुअल में भी मेंशन करता है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मैनुअल है CI 350 का एक मैनुअल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका मेरा चैनल मोटो ज्ञान एसएस में। आज का जो वीडियो है वो मैंने पहले भी एक डाल रखा है हेडलाइट एडजस्टमेंट के, फोकस एडजस्टमेंट के ऊपर, वो एक्चुअली मेथड टू सेकंड मेथड, और ये एक्चुअली फर्स्ट मेथड होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको सेकंड मेथड किया है क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है करने में, इजीली हो जाता है। ये थोड़ा टफ है, इसके लिए बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब मैं जब प्रोसेस आपको बताऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको मैंने सेकंड मेथड को इसको मैंने बाद में क्यों डाला। तो उसका अगर प्रोसेस आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप इजीली देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पहले हम बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। आज का सेटअप कुछ अलग ही है, मुझे बोर्ड लगाना अपनी रिकमेंडेड प्रोसेस ही है, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप हेडलाइट एडजस्टमेंट करेंगे ना तब बाइक को पहले आपको स्टैंड से उतारना है, ओके। आप बाइक को स्टैंड से उतारना है, उतार के थोड़ा हिला के मतलब जो शॉक ऑब्जर्वर को एडजस्ट करना होता है उसको एडजस्ट कीजिए, और ऊपर एक आदमी बैठ भी जाइए, और बाइक को सीधा इस तरह का एक टेस्ट स्क्रीन या वर्टिकल वॉल के सामने ले आइए। अभी क्या है, ड्राइंग पे मत जाइए, बहुत अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया है। तो ये आपका हेडलाइट है, तो यहाँ पे आपको हाइट पे बाइक को खड़ा करना है, और अगर स्क्रीन मिल जाए तो ठीक है, अगर स्क्रीन ना मिले तो इस तरह का एक वॉल आपको लेना है। और याद रखना है बाइक और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर होना चाहिए। तो आपने बाइक को ले लिया, आप मेन स्टैंड से उतार के उसको थोड़ा हिला के एडजस्ट करके शॉक ऑब्जर्वर्स को एडजस्ट करके आपने 8 मीटर की दूरी पर उसको लाके खड़ा कर दिया, और ऊपर एक बंदा बैठ भी जाना चाहिए उसको उसके ऊपर, क्योंकि वेट होने से बाइक थोड़ा अंदर जाएगा, तो एडल्ट जो राइड करता है उसका वेट तो होना ही चाहिए बाइक के ऊपर, वरना फोकस ठीक से नहीं आएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको हेडलाइट ऑन कर देना है, और हेडलाइट के बीच में जो सेंटर है ना वहां से एक लाइन खींचना है वॉल के ऊपर, सेंटर लाइन देखिए मैंने खींच लिया है, ठीक है, मतलब 8 मीटर की दूरी पे बाइक को खड़ा करना है, उसके ऊपर बैठना है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, वो है टायर प्रेशर, थोड़ा कम ज्यादा होने से भी चलेगा, लेकिन आप जो जिस प्रेशर पे आप डेली राइड करते हो उसी प्रेशर पे टायर को रखना ताकि हाइट का एडजस्टमेंट ठीक रहे। और ये हेडलाइट का सेंटर में से एक लाइन खींचना है आपको जो वॉल के ऊपर जाएगा, सेंटर से वॉल के ऊपर एक लाइन खींचना है जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना होगा मतलब, और BS4 में बाइक जलता रहता है हेडलाइट, तो हेडलाइट मतलब ऑन करना है। हेडलाइट ऑन करने के बाद एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे जो बीम आएगा ना हेडलाइट का बीम, देखिए कौन से एरिया ऑफ कंसेंट्रेटेड बीम, जो बीम आएगा ना उसका जो सेंटर है वो इस मार्क के ऊपर होना चाहिए। मैं फिर से एक बात बताता हूँ, एरिया ऑफ कंसेंट्रेटेड बीम है, जो बीम आ रहा है हेडलाइट के जो लाइट का जो बीम निकलता है उसका जो सेंटर है वो सेंटर आपका जो बीच में से लाइन खींची गई है उसका उसके बीच में होना चाहिए। मैंने रेड कलर कर दिया है, अगर ये यहीं पे ठीक रहा, ठीक इस तरह से दिखा, तब समझिए आपका हेडलाइट का एडजस्टमेंट ठीक है, ओके। अगर ये ऊपर गया मतलब गया, अगर ज्यादा नीचे आ गया तो नीचे ही आ गया, ठीक है, उसको आपको एडजस्ट करना है। अब जब ये आपको पता चल गया तब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड के कुछ वो वाले बाइक थंडरबर्ड जैसे बाइक है जिसको हेडलाइट आप अप एंड डाउन कर सकेंगे तो वो आपको करना है, या फिर नॉर्मल बाइक है जिसका हेडलाइट आप अप एंड डाउन कर सकेंगे वो आपको कर देना है। अगर नहीं है मतलब क्लासिक या स्टैंडर्ड जैसा सील एकदम सील है उसका मेथड मैंने वो पहली वाली वीडियो पे डाल रखा है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उसमें जो है साइड में दो स्क्रू थे, ऊपर एक स्क्रू होता है, दोनों को हिला के थोड़ा एडजस्ट करना होता है, वो मैं वो उस वीडियो में मैंने दे रखा है, आप वहां पर जाके चेक कीजिएगा। 5 बटन वो जो है आप देख लीजिएगा, मतलब यही है सारा प्रोसेस।
यही प्रोसेस रॉयल एनफील्ड अपने मैनुअल में भी मेंशन करता है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मैनुअल है, CI 350 का एक मैनुअल है मेरे पास, वो उसमें से स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ना दबाना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।